हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योगेश सिंधु और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। इससे पहले बायोलॉजी की सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं। आप लोगों की सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट मुझे मिली इकोनॉमिक्स की वीडियो बनाने के लिए और मैं कंप्लीट इकोनॉमिक्स की वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। टोटल इसमें 400 से 500 के आसपास क्वेश्चन होंगे जिसमें 80 to 90% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, हालांकि इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं और बायोलॉजी के साथ साथ मैथ्स की भी बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड की हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में मुझे लिख कर ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए मिक्स्ड इकोनॉमी वर्क्स प्राइमरीली थ्रू द मार्केट मैकेनिज्म सेंट्रल एलोकेटिव मशीनरी। देखिए, मार्केट मैकेनिज्म क्या होता है, ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड होता है। और डिमांड और सप्लाई मीन्स अगर डिमांड बढ़ेगी तो हम उसके अपने प्राइस बढ़ा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म। जो कि लेकिन ऐसा किस में होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, क्योंकि वहाँ पे अगर डिमांड बढ़ती है तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना प्राइस उसके अकॉर्डिंग बढ़ा सकता है। लेकिन जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें क्या होता है, डिमांड सप्लाई तो होता है, उसको प्राइस मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं, प्राइस मैकेनिज्म भी होगा और उसके साथ गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करेगी कि प्राइस किस बेस पे बढ़ने चाहिए और कितने प्राइस बढ़ने चाहिए। तो फर्स्ट हमारा हो गया गलत, सेंट्रल एलोकेटिव मशीनरी यानी कि सेंटर जो है हमारा वो एलोकेट करेगा, ये भी गलत हो गया। मार्केट मैकेनिज्म रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी, तो ये सही है कुछ हद तक, लेकिन फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, मार्केट मैकेनिज्म गाइडेड बाय गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन एंड प्लानिंग, तो ये कुछ ज़्यादा सही है क्योंकि प्राइस मैकेनिज्म है जो मार्केट मैकेनिज्म है उसको गवर्नमेंट रेगुलेट भी करेगी और साथ में गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन भी होगा। और मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन भी होता है, जैसे कि इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है तो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं जैसे, तो यहाँ पे क्या है, BSNL भी है और एयरटेल भी है। BSNL गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन भी हुआ और एयरटेल हमारा प्राइवेट सेक्टर हो गया, तो गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन भी होता है और गवर्नमेंट रेगुलेट भी करती है प्राइस मैकेनिज्म को, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन इकोनॉमी मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्ड एज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर सिर्फ एग्जिस्ट करता है, जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी जहाँ पे सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं या फिर जो भी प्रोडक्शन होता है वो सब गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है USA, जबकि इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक प्राइस मैकेनिज्म होता है डिमांड सप्लाई, लेकिन उसको रेगुलेट गवर्नमेंट करती है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं और साथ में जो प्राइवेट सेक्टर का प्राइस मैकेनिज्म है उसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। और ट्रेडिशनल इकोनॉमी, ये तो कोई इकोनॉमी होती ही नहीं है, तीन टाइप की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए क्लोज्ड इकोनॉमी इज वन विच डज नॉट ट्रेड विद अदर कंट्रीज, डज नॉट पोसेस एनी मीन ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, डज नॉट हैव ए कोस्टल लाइन। देखिए, दो टाइप की इकोनॉमी होती है, एक क्लोज्ड और एक ओपन। क्लोज्ड इकोनॉमी दैट मींस जो भी प्रोडक्शन हमारी कंट्री के अंदर होगा उसको हम ना एक्सपोर्ट करते हैं और ना इम्पोर्ट करते हैं, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर ही रहेगा वो, तो हमारा ऑप्शन हो गया डज नॉट ट्रेड विद अदर कंट्रीज, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। डज नॉट हैव कोस्टल लाइन, इज नॉट ए मेम्बर ऑफ UNO, इसका कोई मतलब नहीं बनता, और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट तो आजकल सभी के पास है, और ओपन इकोनॉमी होगी जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच फॉर्म ऑफ द इकोनॉमी इज द टर्म लेजे फेयर एसोसिएटेड। देखिए, लेजे फेयर का मतलब होता है फ्री मार्केट, यानी कि गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं होगा, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं होगी। और ऐसा कौन सी इकोनॉमी में होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट रेगुलेट भी करती है और सोशलिस्ट इकोनॉमी में तो कंप्लीट ही गवर्नमेंट का रेगुलेशन होता है, सब कुछ गवर्नमेंट ही करती है, तो हमारा आंसर है यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी।
कमांड इकोनॉमी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती, हमने सिर्फ तीन टाइप की इकोनॉमी पढ़ी है, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड और सोशलिस्ट। तो ये तो थे हमारे जो भी सिस्टम ऑफ इकोनॉमी, इस पे बेस्ड जितने क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ यहाँ पे तीन क्वेश्चन एक्सप्लेन किए, मैंने साथ में उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया है जो कि आपको और दूसरे क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सफर द मोस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन? डेब्टर्स, क्रेडिटर्स, बिजनेस क्लास, होल्डर्स ऑफ रियल एसेट। देखिए, इन्फ्लेशन होता है जब प्राइस बढ़ने लगते हैं, यानी कि महंगाई, और डेब्टर्स हम बोलते हैं जो मनी बोरो करता है, और क्रेडिटर्स बोलते हैं जो मनी लेंड करता है। तो इसमें नुकसान होता है क्रेडिटर्स को, क्यों होता है? देखिए, मान लिया कि मैंने किसी से 100 रुपये उधार लिए जब इन्फ्लेशन नहीं था, और मैंने वो इन्फ्लेशन के बाद वापस लौटा दिए, तो इन्फ्लेशन से पहले मैं अगर 100 रुपये में 2 किलो एप्पल खरीद रहा था, लेकिन फिर इन्फ्लेशन हुआ यानी कि महंगाई बढ़ गई और प्राइस इंक्रीज हुए, तो अब मैं 100 रुपये में सिर्फ 1 किलो एप्पल खरीद पा रहा हूँ। तो उस टाइम पे मैंने वो पैसे उसको लौटाए हैं जब वो 1 किलो एप्पल खरीद पा रहा है, लेकिन मैंने जब बोरो किए थे तब हम 2 किलो एप्पल खरीद सकते थे, इसलिए नुकसान किसका हुआ? क्रेडिटर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स द सिचुएशन इज इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन या फिर स्टैगफ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है, यानी कि जो मार्केट में सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है, अगर सप्लाई कम है तो उस चीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं। अब प्राइस बढ़ रहे हैं तो सभी के पास ज़्यादा पैसा है, यानी कि कम चीज़ है और उसको खरीदने वाले ज़्यादा हैं, तो मनी फ्लो जो है वो ज़्यादा होता है। और ऐसा कब होता है? इन्फ्लेशन में। डिफ्लेशन में इसके अपोजिट होता है, डिफ्लेशन में डिमांड कम होती है जबकि सप्लाई ज़्यादा होती है, और उससे मनी फ्लो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवैल्यूएशन यूजुअली कॉज द इंटरनल प्राइसेस टू। देखिए, डीवैल्यूएशन की वजह से जो इंटरनल प्राइसेस हैं वो अनचेंज्ड रहते हैं, रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि डीवैल्यूएशन का मतलब होता है यानी कि जब इंटरनेशनल करेंसी की कंपेयर में हम अपनी करेंसी को कम कर देते हैं, और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। जैसे कि मान लिया पहले $1 था 60 रुपीज़ के इक्वल, और अब डीवैल्यूएशन के बाद हो गया $1 70 रुपीज़ के इक्वल। तो कोई अगर हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, मान लिया कि कोई वाटर बोतल है उसका प्राइस है ₹10, तो पहले वो $1 में कितनी बोतल खरीदता था? 6 बोतल, और अब वो कितनी बोतल खरीद सकता है? 7 वाटर बोतल वो खरीद सकता है। तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम डीवैल्यूएट करते हैं अपनी करेंसी का, जो इंटरनल प्राइसेज हैं उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट मेजर टू असेस ए कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को असेस करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है? पर कैपिटा इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर चेकिंग इन्फ्लेशन टेम्परेरीली। देखिए, इन्फ्लेशन क्या होता है, जब एग्रीगेट डिमांड सप्लाई को एक्सीड कर जाती है, यानी कि डिमांड बढ़ जाती है तो मनी फ्लो ज़्यादा हो जाता है, प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, या तो टैक्स रेट बढ़ा देगी। टैक्स रेट बढ़ाएगी तो जो मार्केट में मनी फ्लो है वो कम होगा, पैसा सरकार की तरफ जाएगा, या फिर वो सैलरी को कम कर देगी, बैंक रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो किस लिए करते हैं? टू डिक्रीज मनी सप्लाई। तो हमारा आंसर है टू डिक्रीज मनी सप्लाई। नेक्स्ट है, व्हेन एग्रीगेट सप्लाई एक्सीड एग्रीगेट डिमांड अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स प्राइस राइजेस अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप इन्वेंट्रीज एक्यूमुलेट। एग्रीगेट सप्लाई जब एक्सीड करती है डिमांड को, यानी कि सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, किसी चीज़ की डिमांड है 5 यूनिट और सप्लाई हो रही है उसकी 10 यूनिट्स, तो 5 यूनिट एक्स्ट्रा हैं, तो इससे क्या होगा? इन्वेंट्रीज एक्यूमुलेट्स, जो गुड्स हैं वो इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाएंगे और उनकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, प्राइसेस कम हो जाते हैं, और ऐसा डिफ्लेशन में होता है। नेक्स्ट है, डियर मनी मीन्स इन्फ्लेशन, रिसेशन, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक होता है डियर मनी और एक होता है चीप मनी। डियर मनी जिसपे हम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं, और चीप मनी होता है जिसपे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो हमारा आंसर है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट है, डिवेल्युएशन मेक्स इम्पोर्ट। डिवेल्युएशन इम्पोर्ट को क्या करेगा?
डिवैल्यूएशन करते हैं हम एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, यानी कि एक्सपोर्ट सस्ता होता है जबकि इम्पोर्ट जो है हमारा महंगा हो जाएगा। डीआरआर का मतलब महंगा होता है, तो हमारा आंसर है डीआरआर। जैसे कि एक डॉलर पहले 60 के इक्वल था, अब हो गया 70 के इक्वल। तो पहले जो एक डॉलर की चीज़ हम इम्पोर्ट कर रहे थे हम 60 रुपीज़ पे कर रहे थे, अब एक डॉलर की चीज़ हम अगर इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हम कितने रुपये पे कर रहे हैं, 70 रुपीज़, तो वो डीआरआर हो गया, जबकि एक्सपोर्ट हमारा चीपर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू ए सिचुएशन ग्रोथ हैज नो रिलेशन विद द चेंज इन प्राइसेस, रेट ऑफ ग्रोथ एंड प्राइसेस बोथ आर डिक्रीजिंग, ग्रोथ भी डिक्रीज होती है और प्राइस भी डिक्रीज होते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ इज फास्टर देन द रेट ऑफ प्राइस इंक्रीजेस, रेट ऑफ ग्रोथ इज लोअर देन द रेट ऑफ प्राइस इंक्रीजेस। अच्छा, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन होता है इन्फ्लेशन भी होता है और रिसेशन भी होता है, यानी कि इन्फ्लेशन होता है तो प्राइसेस बढ़ते हैं और रिसेशन होता है तो ग्रोथ कम होती है। तो थर्ड ऑप्शन तो है हमारा रेट ऑफ ग्रोथ इज फास्टर, तो ये हो गया गलत, और सेकंड रेट ऑफ ग्रोथ एंड प्राइसेस बोथ आर डिक्रीजिंग, लेकिन प्राइस को इंक्रीज करते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, रेट ऑफ ग्रोथ इज लोअर देन द रेट ऑफ प्राइसेस इंक्रीज, यानी कि ग्रोथ कम है और प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। बस एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है हमें, स्टैगफ्लेशन में इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन, इन्फ्लेशन भी होता है और रिसेशन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन बैंकिंग मीन्स डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री बाय बैंक्स, फाइनेंसिंग ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट बाय बैंक्स। हमारा राइट आंसर है फाइनेंसिंग ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट बाय बैंक्स। देखिए, ग्रीन बैंक्स जो है नॉर्मल बैंक्स की तरह ही होते हैं, इनको एथिकल बैंक्स भी बोलते हैं या फिर सस्टेनेबल बैंक्स भी हम बोलते हैं। इनका जो मेन मकसद होता है टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो इसलिए जो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट होते हैं उनको फाइनेंस करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है चीप मनी मीन्स, अभी हमने डिस्कस किया था डियर मनी में, डियर मनी जिसपे हम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं और चीप मनी हमारा होता है जिसपे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट शुड बी, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए और साथ में एक्सप्लेन किया है वहाँ से क्वेश्चन थोड़े वो तोड़ मोड़ के दे देते हैं। तो डिफ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन में टैक्स रेट क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, मनी सप्लाई इंक्रीज होते हैं, मार्केट में मनी फ्लो ज़्यादा होता है, और मनी फ्लो को कम करने के लिए सरकार जो है टैक्स रेट बढ़ा देती है। तो टैक्स रेट बढ़ाएगी तो पैसा जो है सरकार की तरफ जाएगा और मनी सप्लाई कम होगी तो रेट जो है नीचे आने लगेंगे। नेक्स्ट है बियॉन्ड ए सर्टेन पॉइंट डेफिसिट फाइनेंसिंग विल बी सर्टेनली लेड टू, डेफिसिट होता है जब जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो सेविंग्स को एक्सीड कर जाए, यानी कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज में ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है जितना उसको रिसीव हो रहा है, तो इससे क्या होगा, मनी फ्लो ज़्यादा हो जाएगा मार्केट में और इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। नेक्स्ट है द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर इट्स नेशनलाइजेशन केम टू बी नोन एज, तो इम्पीरियल बैंक सबसे पहले बना था 1921 में, तीन बैंक को मर्ज करके जो प्रेसिडेंसी बैंक थे मद्रास, चेन्नई और कोलकाता, उनको मिलाकर इम्पीरियल बैंक बनाया गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका नेशनलाइजेशन किया 1955 में और इसका नाम कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इम्पीरियल बैंक कब बना 1921 और कौन से बैंक को मर्ज करके बना था, तीनों जो प्रेसिडेंसीज बैंक थे उनको मर्ज करके, और नेशनलाइजेशन कब हुआ 1955 में, नया नाम क्या रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री इज गवर्नमेंट एनुअल रिवेन्यू, गवर्नमेंट एनुअल रिवेन्यू ये तो होता ही नहीं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों काउंट करते हैं हम नेशनल इनकम में, टोटल प्रोडक्टिव इनकम, राइट आंसर इज टोटल प्रोडक्टिव इनकम। नेशनल इनकम होती है हमारी द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर, तो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को हम काउंट करते हैं, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट दोनों की होनी चाहिए वो, और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ये तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सही आंसर है हमारा टोटल प्रोडक्टिव इनकम। नेक्स्ट है
The official agency responsible for estimating national income in India is Indian Statistical Institute, Central Statistical Organization. आंसर है सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1950 में. जबकि जो डाटा कलेक्ट करने का काम होता है वो होता है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. और इसकी स्थापना भी 1950 में की गई थी. तो यहाँ पे हमारा आंसर है सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन्ड बाई डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाई. तो पर कैपिटा इनकम हम निकालते हैं टोटल नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके. तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है टोटल वर्किंग पॉपुलेशन या फिर टोटल पॉपुलेशन. टोटल वर्किंग पॉपुलेशन से कोई मतलब नहीं, हमें टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करना होता है. नेक्स्ट है द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम ओरिजिनेट इन द. तो इंडिया की जो नेशनल इनकम है सबसे बड़ा शेयर है उसमें टर्सरी सेक्टर. और टर्सरी सेक्टर हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर्स को. नियरली 60% शेयर है. और जबकि जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमारा एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. वेजेस एंड सैलरीज, प्रॉफिट, रेंट, ये सभी जो हमारी नेशनल इनकम के पार्ट हैं. लेकिन जो नेशनल डेब्ट पे इंटरेस्ट हम पे करते हैं, नेशनल डेब्ट यानी कि जो हमने बाहर से कर्जा लिया है उस पर अगर हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो बाहर वाली कंट्रीज को जाएगा, तो इसको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते. तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा. नेक्स्ट है हु हैड एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्ट. सबसे पहले नेशनल इनकम का एस्टिमेट किया था दादा भाई नौरोजी ने. और ये नॉन साइंटिफिक मेथड था. जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि साइंटिफिक मेथड से सबसे पहले नेशनल इनकम को किसने एस्टिमेट किया तो हमारा आंसर होगा VK RV Rao. लेकिन सबसे पहले पूछा गया है यहाँ पे तो हमारा आंसर है दादा भाई नौरोजी. हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज़ डन पायनियरिंग वर्क ऑन नेशनल इनकम. तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा VK RV Rao. फर्स्ट टाइम उन्होंने साइंटिफिक मेथड से हमारी नेशनल इनकम बताई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल कंप्यूटिंग नेशनल इनकम एस्टिमेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्जर्व. नेशनल इनकम होती है जो फाइनल गुड्स की वैल्यू होती है हमारी कंट्री के अंदर. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट टू बी एडिड एंड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट टू बी सब्ट्रैक्टेड. तो एक्सपोर्ट, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर से हमें पैसा मिलेगा, और इम्पोर्ट करते हैं तो बाहर हम पैसा भेजते हैं. चलिए तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. पहले द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट टू बी सब्ट्रैक्टेड, तो ये तो हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि एक्सपोर्ट से हमें पैसा मिलेगा तो हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगा. थर्ड है द वैल्यू ऑफ बोथ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट टू बी एडिड, तो इम्पोर्ट से पैसा बाहर जाएगा उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा. द वैल्यू ऑफ बोथ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट टू बी सब्ट्रैक्टेड, ये भी गलत है. हमारा राइट आंसर है फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट टू बी एडिड एंड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट टू बी सब्ट्रैक्टेड. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो रहा है क्योंकि कैम स्कैनर से स्कैन करके मैंने यहाँ पे PPT फाइल्स में ऐड किया है इनको. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज. पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है जब हम पर्सनल इनकम से डायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं. तो यानी कि पर्सनल इनकम से तो कम ही होगी. तो ऑप्शन देखते हैं ऑलवेज इक्वल टू पर्सनल इनकम, तो ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं. ऑलवेज मोर देन पर्सनल इनकम, ये भी गलत हो गया. फोर्थ ऑप्शन है इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस इनडायरेक्ट टैक्स. लेकिन पर्सनल इनकम से जब हम डायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. तो राइट आंसर है हमारा थर्ड, इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स पेड बाई हाउस होल्ड. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट इंक्लूडेड वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड. जब हम नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करते हैं इनकम मेथड से तो हम उसमें पेंशन को इंक्लूड नहीं करते. तो राइट आंसर है थर्ड. नेक्स्ट है द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम बाय द प्रोडक्ट मेथड इज अदरवाइज नोन एज. देखिए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का तीन मेथड होते हैं हमारे पास, एक इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्ट मेथड, और इसका दूसरा नाम होता है नेट आउटपुट मेथड.
नेक्स्ट है ए कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अनफेवरेबल व्हेन। देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इक्वल होता है, और अनफेवरेबल कब होगा, जब हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को एक्सीड कर जाएगा, सॉरी इम्पोर्ट एक्सीड करेगा एक्सपोर्ट को, क्योंकि इम्पोर्ट करेंगे ज़्यादा पैसा बाहर जाएगा और ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा पैसा इंडिया में आएगा, तो इसलिए अनफेवरेबल हो गया हमारा इम्पोर्ट एक्सीड एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट है द डाटा कलेक्शन फॉर नेशनल इनकम एस्टिमेशन इज कंडक्टेड बाई, तो डाटा कंडक्शन का काम करता है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, जबकि CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हमारी नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करता है। दोनों की स्थापना 1950 में हुई थी। द प्रोसीड ऑफ इनकम टैक्स गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट, तो इसका आंसर है सेंटर एंड स्टेट। देखिए जो इनकम टैक्स है उसको कलेक्ट करता है हमारा सेंटर, लेकिन जो इनकम टैक्स का जो कलेक्शन हुआ है उसका शेयर स्टेट और सेंटर के बीच में डिवाइड होता है। जैसे कि अभी 9th 5-year कमीशन था, जो उसने क्या किया कि 85% जो इनकम टैक्स से हमारा कलेक्शन होगा उसका 85% स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेंटर एंड स्टेट। और ये कौन डिसाइड करता है कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्टेट्स के बीच में, प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लेविड बाय द यूनियन एंड अप्रोप्रिएटेड एंड प्लान्ड बाय द स्टेट्स, कौन सा टैक्स है जो अप्रोप्रिएट और प्लान्ड तो स्टेट के द्वारा किया जाता है लेकिन उसको लेवी कौन करता है, यूनियन, तो इनमें से स्टाम्प ड्यूटी ही एक ऐसा टैक्स है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स बिलोंग्स टू सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल टैक्स जो हमारा सेंटर कलेक्ट करता है, और इसमें एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड इनकम टैक्स, ये सभी सेंट्रल टैक्स हैं। और एक और टैक्स होता है कॉरपोरेशन टैक्स, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। एक्साइज ड्यूटी लगता है प्रोडक्शन पे, कस्टम ड्यूटी इम्पोर्ट पे, और इनकम टैक्स जो हमारे इनकम के ऊपर लगता है। नेक्स्ट है विच अथॉरिटी डिसाइड्स अबाउट द स्टेट शेयर इन द सेंट्रल टैक्सेस, सेंट्रल टैक्सेस में स्टेट का शेयर कितना है इसको कौन डिसाइड करता है, फाइनेंस कमीशन। सॉरी अभी लास्ट क्वेश्चन में शायद मैंने इसका प्लानिंग कमीशन आंसर बताया था, लेकिन फाइनेंस कमीशन होता है जो डिसाइड करता है कि कितना शेयर स्टेट्स के पास जाएगा। नेक्स्ट है विच इज द बिगर टैक्स पेइंग सेक्टर इन इंडिया, बिगेस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर है सर्विस सेक्टर, और उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो यहाँ पे सर्विस सेक्टर नहीं है इसलिए हम सेकंड को मार्क करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर, लेकिन सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर है। फॉर विच टैक्स वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस गिवन मच लेटर आफ्टर इट्स इंट्रोडक्शन इन ए स्मॉल वे इन 1994, देखिए जो सर्विस टैक्स है हमारा वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 1994 में, जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिला था 2003 में फाइनेंशियल एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द टैक्स रिवेन्यूज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट वट इज द लार्जेस्ट सोर्स, कॉरपोरेशन टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लार्जेस्ट सोर्स है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि पहले देखा था हमने इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स और एक्साइज ड्यूटी, ये सभी सेंट्रल टैक्सेज हैं, जबकि एग्रीकल्चर एंड इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट है टैक्सेशन इज ए टूल ऑफ, टैक्सेशन होता है एक फिस्कल पॉलिसी का टूल, जो सरकार अपने एक्सपेंडिचर्स और सेविंग को मैनेज करती है फिस्कल पॉलिसी के अंडर आते हैं, तो टैक्सेशन भी एक फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है। नेक्स्ट है टैक्सेस ऑन प्रोफेशंस कैन बी लिवाइड बाई, तो प्रोफेशन पे जो भी टैक्स लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, और स्टेट गवर्नमेंट में कौन लगाता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। कस्टम ड्यूटी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। देखिए कस्टम ड्यूटी किससे रिलेटेड होती है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से, तो ये हो गया हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इनडायरेक्ट टैक्सेस बाय नेचर आर डिग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। देखिए, प्रोग्रेसिव वो टैक्सेस होते हैं जो आपकी इनकम बढ़ेगी उसके साथ टैक्स भी बढ़ेगा। जैसे कि आपकी इनकम होगी 1,00,000 से 2,00,000, पहले आप टैक्स पे कर रहे थे 10,000 रुपये, अब आपको 20,000 रुपये पे करना पड़ेगा, तो वो होते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। और रिग्रेसिव टैक्स होते हैं जो कि इनकम अगर आपकी बढ़े या ना बढ़े उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि कस्टम ड्यूटी है, आपने कोई LED या फिर TV सेट मंगाया बाहर से, उस पर 10% कस्टम ड्यूटी लगी। अब ये थोड़ी है कि आपकी इनकम अगर डबल होगी तो आपको उस पर 20% ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो ये क्या होते हैं रिग्रेसिव टैक्स। और एक और चीज़ यहाँ पे, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो आप प्रॉपर्टी या फिर इनकम पे देते हैं, बाकी सभी टैक्स इनडायरेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है, पैरेलल इकोनॉमी एमर्ज ड्यू टू टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, टैक्स कॉम्प्लेंस या फिर टैक्स एस्टिमेशन। देखिए, पैरेलल इकोनॉमी जब होती है जब हम टैक्स की चोरी करते हैं, जैसे कि ब्लैक मनी है, उस पर आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता, तो उससे क्या होगा कि एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी। तो राइट आंसर है यहाँ पे टैक्स इवेजन। नेक्स्ट है, एड वैलोरम टैक्स इज लेवाइड अकॉर्डिंग टू वैल्यू गिवन बाई प्रोड्यूसर, यानी कि जितनी कीमत आप उसकी बताएंगे उतना ही टैक्स लगेगा, बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ रियल स्टेट और पर्सनल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स देर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द गवर्नमेंट। जैसे कि देखिए, कोई टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, जैसे कि आप कोई सेलर्स हो, कोई टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, लेकिन आप इसको क्या करोगे MRP पे ऐड कर दोगे, तो इस टैक्स को पे कौन कर रहा है? कंज्यूमर पे कर रहा है, जो बायर है वो पे कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा देर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द गवर्नमेंट, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। टैक्स तो गवर्नमेंट ने लगाया है और वो सेलर्स पे लगाया है, लेकिन सेलर्स ने उसको आगे बायर पे लगा दिया है। नेक्स्ट है, RBI डज नॉट ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट, नागालैंड, आसाम, राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर। सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के जो RBI है वो सभी स्टेट का बिजनेस ट्रांजैक्ट करता है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट है, द सिंबल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज। देखिए, जो रिजर्व बैंक का सिंबल है उसमें एक तो पाम ट्री है और उसके नीचे एक टाइगर दिखाया गया है, तो आंसर है टाइगर बिफोर ए पाम ट्री। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एनिमल ऑन द इंसिग्निया ऑफ द RBI? टाइगर। विच ऑफ द फॉलोइंग महात्मा गांधी सीरीज ऑफ द करेंसी नोट्स इश्यूड बाय द RBI हैज इकोलॉजी डिपिक्टेड ऑन इट। तो 100 रुपीज का जो नोट है उसके पीछे कभी देखना आप, एक तो हिमालयस की फोटो छपी होती है और दूसरा इकोलॉजी, तो यहाँ पे हमारा आंसर है 100 रुपीज। जबकि 50 रुपीज का नोट है उस पर क्या डिपिक्ट किया गया है? पार्लियामेंट। तो ये क्वेश्चन भी SSC में पूछे जा चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ सभी प्रीवियस ईयर से हैं और सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ द RBI? बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी है, डायरेक्ट क्रेडिट इन डिजायरेबल डायरेक्शन, क्रेडिट को खींचना और फिर डिजायरेबल डायरेक्शन में उसको लगाना, ये भी है, कंट्रोल इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे एंश्योर सोशल जस्टिस, ये हमारे RBI की मॉनिटरी पॉलिसी में नहीं है। नेक्स्ट है, द सिस्टम ऑफ इशूइंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द मनी इन द मार्केट इज नोन एज मिनिमम रिजर्व रेशियो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड इट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक दैट दे शुड गिव सम कैश अमाउंट व्हाइल परचेजिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, व्हाट शुड यू कॉल दिस? देखिए, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होती हैं उनको हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो। Under the minimum reserve system, the Reserve Bank of India as the sole authority of note issuing is required to maintain assets worth not less than 200 crore rupees. Next step, rate of interest is determined by
लिक्विडिटी प्रेफरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन डिटरमाइन करता है? कमर्शियल बैंक। लेकिन एक टर्म होती है BPLR, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, तो RBI जो है वो BPLR सेट करता है, यानी कि अगर मान लिया कि उसने 10% BPR सेट कर दिया, दैट मीन्स कमर्शियल बैंक उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं ले सकते, उससे कम वो कर सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा वो सेट नहीं कर सकते। RBI बैंक रेट डिसाइड करता है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिटरमाइन करता है कमर्शियल बैंक खुद अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंसी नोट्स ऑफ रुपीज 2 डिनोमिनेशन एंड अबो आर द लाइबिलिटीज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जबकि 2 रुपये से कम 1 रुपये का नोट और जितने भी सिक्के होते हैं वो लाइबिलिटी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। वेन डिड द रुपी बिकम ए फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी ऑन करंट अकाउंट इन इंडिया? 1994। कन्वर्टेबल करेंसी मीन्स जैसे रुपया है उसको हम डॉलर में कन्वर्ट करा सकते हैं, और ये हुआ था 1994 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन 1949, जबकि इंपीरियल बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था 1995। द प्रेजेंट इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाई IRDA। IRDA की फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट्स अंडर मिनिमम रिजर्व सिस्टम, और मिनिमम रिजर्व सिस्टम कितना रखा गया है? 200 करोड़। मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय RBI, जबकि फिस्कल पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। द रेशियो ऑफ ए बैंक कैश होल्डिंग टू इट्स टोटल डिपॉजिट लाइबिलिटी इज कॉल्ड द, इसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि जितनी टोटल डिपॉजिट लाइबिलिटीज है उसका कुछ अमाउंट उन्हें अपनी कैश होल्डिंग्स के रूप में रखना पड़ता है, उसको कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। नेक्स्ट है, बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच पब्लिक बोरो मनी फ्रॉम RBI, गलत, एट विच कॉमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम RBI, ये सही है, तो हमारा राइट आंसर है 3rd, यानी कि जो कॉमर्शियल बैंक RBI से जो पैसा लेते हैं जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। नेक्स्ट है, द इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इज द कॉम्पोनेंट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। नेक्स्ट, हाउ विल ए रिडक्शन इन बैंक रेट अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, अगर बैंक रेट कम होगा तो क्या होगा, बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक जो है रिजर्व बैंक से ज़्यादा पैसा ले सकते हैं और उससे मनी फ्लो इंक्रीज होगा, तो इसका आंसर क्या है? क्रेडिट विल इंक्रीज। नेक्स्ट है, हाई स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR रिस्ट्रिक्ट लैंडिंग इंक्रीज प्राइस ऑफ कैश, तो आंसर है यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट लैंडिंग। देखिए SLR क्या होता है, जो RBI निर्धारित करता है कि बैंक को अपने कुल डिपॉजिट का कुछ पैसा गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रखना पड़ेगा, अगर वो SLR को इंक्रीज कर देता है दैट मीन्स उसको अपने पैसे में से ज़्यादा गोल्ड और सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में रखना पड़ेगा, तो उसकी जो लोन देने की वो कैपेसिटी है उसको कम हो जाएगी, तो आंसर क्या होगा? रिस्ट्रिक्ट लैंडिंग। नेक्स्ट है, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इज SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, वेरिएशन इन कैश रिजर्व रेशियो CRR एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ, तो CRR और OMO ये दोनों इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, अंत्योदय प्रोग्राम का मतलब है काम के बदले अनाज, और एक और क्वेश्चन आता है इसे, ये कब स्टार्ट की गई थी? 25th December 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नाबार्ड प्राइमरी रोल, टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सही है ये भी,
टू असिस्ट स्टेट गवर्नमेंट फॉर शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो इसमें भी नाबार्ड का कंट्रीब्यूशन होता है। टू एक्ट एज रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तो रीफाइनेंस ये किसको करता है, आरआरबी को फाइनेंस करता है, जबकि कोऑपरेटिव बैंक्स को फाइनेंस करता है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबोव। नाबार्ड एक अपेक्स बैंक है जो कि जनरली कॉटेज इंडस्ट्री या फिर स्मॉल विलेज रूरल्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। Which of the following is Apex Bank for Industrial Loan IDBI, Industrial Development Bank of India? Total number of nationalized bank in India, तो total nationalized bank है इंडिया में 27, 19 nationalized bank और 6 SBI and associated branch, और एक है भारतीय महिला बैंक और एक IDBI, तो total हो गए 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द जवाहर रोजगार योजना लॉन्च्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जवाहर रोजगार योजना लॉन्च की गई थी 1989 में, और ये जो योजना लॉन्च की थी दो प्रोग्राम को मर्ज करके बनाई गई थी। एक तो था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और एक था RLEGP, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। इन दोनों को मर्ज करके बनाई गई थी जवाहर रोजगार योजना। आंसर है 1989। नेक्स्ट है, द फेमस स्लोगन गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी वाज लॉन्च ड्यूरिंग द फर्स्ट थर्ड या फिर फोर्थ फाइव ईयर प्लान। ये भी इंपॉर्टेंट है और सबको पता होगा, ये गरीबी हटाओ स्लोगन था फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में, जो कि 1974 से 1979। लेकिन ये एक ऐसा प्लान भी था जो टाइम से पहले ही टर्मिनेट कर दिया गया था पॉलिटिकल डिस्टरबेंस की वजह से। 1979 तक इसका टाइम था, लेकिन 78 में जो जनता पार्टी गवर्नमेंट आई उसने इसको टर्मिनेट कर दिया और एक नया रोलिंग प्लान लेके आई थी। तो आंसर है यहाँ पे हमारा फिफ्थ फाइव ईयर प्लान। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? फर्स्ट फाइव ईयर प्लान 1951 से 56 ये सही है, और फर्स्ट फाइव ईयर प्लान हमारा किस पे बेस्ड था, हेरोल्ड डोमर मॉडल, और इसका ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर एंड स्लाइड एक्टिविटीज। सेकंड फाइव ईयर प्लान भी हमारा 1956 से 61 ये भी सही है, मॉडल था इसका जवाहर एंड महल एनोबिस, जवाहरलाल नेहरू और महल एनोबिस। जबकि थर्ड फाइव ईयर प्लान था 61 to 66। लेकिन ड्यूरिंग द थर्ड फाइव ईयर प्लान क्या हुआ था कि एक तो इंडिया का चाइना के साथ वॉर हुआ था 1961 में, और दूसरा 1965 में इंडिया का वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, और साथ में 1965 में इंडिया को एक ड्रॉट भी झेलना पड़ा था। तो उसकी वजह से जो ये थर्ड फाइव ईयर प्लान था हमारा ये फेल हो गया था, और उसके बाद हम तीन एनुअल प्लान लेकर आए 66 to 69, और उसको हम प्लान हॉलीडे भी बोलते हैं। तो जो फोर्थ फाइव ईयर प्लान है वो था हमारा 69 to 74, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और थर्ड फाइव ईयर प्लान के बाद इंडिया की इकोनॉमी जो है इतनी गड़बड़ा गई थी कि इंडिया को अपनी मनी का डीवैल्यूएशन भी करना पड़ा था। किसी भी चीज़ का डीवैल्यूएशन हम करते हैं कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड लोकेटेड? न्यू दिल्ली। The Planning Commission of India was constituted in the year? बहुत ही important question है, बहुत बार repeat हुआ है। SSC Section Officer का पहले exam होता था, उसमें भी ये पूछा गया है। इसका answer है 1950। और Planning Commission का main काम क्या होता है? Planning Commission का एक तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखने की है कि इसका नाम change करके अब कर दिया गया है नीति आयोग, और इसका head होता है Prime Minister। और जो ये 5 year plans होते हैं उसको बनाने का काम होता है प्लानिंग कमीशन का, जबकि उन प्लान को अप्रूव कौन करता है, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1952। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, विच प्लान गेव एम्फेसिस ऑन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम? फोर्थ फाइव ईयर प्लान 69 to 74। लेकिन जो हमारा फिफ्थ फाइव ईयर प्लान था उसमें स्लोगन था गरीबी हटाओ,
तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन अगर हमें दिया गया हो पॉवर्टी इरेडिकेशन, यानी कि गरीबी को जड़ से हटाने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो 5th 5-year plan में था, लेकिन फर्स्ट टाइम रिमूवल ऑफ पॉवर्टी का जो ऑब्जेक्टिव रखा गया था वो 4th 5-year plan में था, तो यहाँ पे हमारा आंसर है 4th 5-year plan। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NREGP इज द एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, और अब इसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, MGNREGP, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, लेकिन इसको फिर से चेंज करके इन्होंने मनरेगा बना दिया है अब MNREGE। नेक्स्ट है, नाबार्ड इज द नेम ऑफ, नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल रूरल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और ये किसके लिए बनाया, एग्रीकल्चर के लिए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3rd, स्पेशलाइज्ड बैंक टू हेल्प एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पीरियड ऑफ 11th 5-year plan इज, 11th 5-year plan था हमारा 2007 से 12, और अब कौन सा 5-year plan चल रहा है, 12th 5-year plan 2012 to 2017। नेक्स्ट है, फेरा इन इंडिया हैज बीन रिप्लेस्ड बाय, तो फेरा को रिप्लेस करके अब इसको बना दिया गया फेमा, FEMA। नेक्स्ट है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था 1950 में, और इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर। देखिए एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि उसका अलग से चुनाव नहीं करना पड़ता, जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो उसका चेयरमैन होगा, तो हमारा आंसर है 3rd, प्राइम मिनिस्टर। और फर्स्ट जो चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है, द एब्रीवेशन सेबी स्टैंड्स फॉर, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि हमारी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, 4th ऑप्शन। बैंक इन इंडिया वर नेशनलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर, तो फर्स्ट टाइम इंडिया में बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था 1969 में, टोटल 14 बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया था, और अभी हाल में कितने नेशनलाइज्ड बैंक हैं, 27, जैसा कि पहले डिस्कस किया था, 19 तो अदर पब्लिक सेक्टर बैंक हैं और 6 SBI और उसकी अलाइड ब्रांच, जबकि एक महिला बैंक है और एक IDBI, तो टोटल 27 बैंक हैं अभी हाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया अडॉप्टेड द 5-year plan फ्रॉम USSR, रसिया से लिए थे हमने 5-year plan। इंडियाज फर्स्ट 5-year plan गेव प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर, जो मेन ऑब्जेक्टिव था उसका वो एग्रीकल्चर था, हालांकि उसमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी था, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर था। नेक्स्ट है, महालैनोबिस मॉडल हैज बीन एसोसिएटेड विद विच 5-year plan, 2nd 5-year plan, जबकि 1st 5-year plan था हमारा हैरोड डोमर मॉडल, जबकि 3rd 5-year plan गडगिल योजना पे बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जवाहर रोजगार योजना रेस्ट विद यूनियन गवर्नमेंट, जबकि इसमें ग्राम पंचायत हेल्प करती है यूनियन गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन पावर है वो यूनियन गवर्नमेंट के साथ रेस्ट करती है। नेक्स्ट है, द सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO प्रोवाइड्स डाटा अंडर ए न्यू रिवाइज सीरीज इन विच द बेस ईयर इज टेकन एज, तो अब जो नया बेस ईयर है वो है 2004-05। द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1952, एक और प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन था वो जो NDC बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसकी स्थापना भी 1952 में की गई थी। Which Indian industry is employing large number of workers? Iron and steel industry. और first iron and steel industry थी हमारी TISCO, जो कि 1907 में सेटअप की गई थी, और उसके फाउंडर कौन थे, जमशेद जी टाटा। देखिए जो 5-year plan से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरली 1 से 2 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, तो वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन जितने बनते हैं उनको डिस्कस किया है, लेकिन जो हमारे
फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, 1 से लेकर 5 तक, उनसे ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार उनको हम एक जगह पे डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए अच्छे से। देखिए जो 5 ईयर प्लान्स हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे कि इनसे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं या फिर जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेज हैं उनको हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं, और उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स था हमारा 1951 से 1956 तक, और इससे पहले एक चीज़ देखते हैं, जो 5 ईयर प्लान है उनको कौन बनाता है? तो 5 ईयर प्लान बनाता है प्लानिंग कमीशन, जिसका नाम लास्ट ईयर 2015 में चेंज करके कर दिया गया था नीति आयोग। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके क्या रखा गया, तो नीति आयोग कर दिया गया था लास्ट ईयर इसका चेंज करके, और इसका गठन कब हुआ था ये भी हमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था 1950 में। इससे पहले क्या था कि एक इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी बनाई गई थी ईपीसी, जिसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए या फिर अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें एक प्लानिंग कमीशन की ज़रूरत है, जो कि हमारे लिए 5 ईयर प्लान बनाएगी। और प्लानिंग कमीशन का जो हेड होता है वो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर, और फिलहाल जो इसका डेप्यूटी चेयरमैन है अरविंद पंगरिया। ये क्वेश्चन भी पिछली बार बहुत बार रिपीट हुआ था। अब जो नीति आयोग या फिर प्लानिंग कमीशन जो हमारे 5 ईयर प्लान्स बनाती है उनको अप्रूव करने के लिए हमने एक नई काउंसिल बनाई, जिसको बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और इसका गठन किया गया था 1952 में। ये कब गठन किया गया इनका, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और जो हमारी जो प्लानिंग कमीशन है वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टेटूटरी बॉडी है, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और ना ही ये स्टेटूटरी बॉडी है, दैट मीन्स नॉट फॉर्म्ड बाई द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो हमारी गवर्नमेंट को एडवाइस देती है कि हमें ये वाले इकोनॉमिक प्लान हमें फॉलो करने चाहिए या फिर। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के फंक्शन क्या होते हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। इसका एक फंक्शन तो होता है गिव फाइनल अप्रूवल टू 5 ईयर प्लान, और दूसरा होता है इट एनालाइज द पॉलिसीज अफेक्टिंग डेवलपमेंट। तो जो पॉलिसीज होती हैं जो हमारी डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं उनको एनालाइज करना, और सेकेंड है इट गिव सजेशन टू अचीव द फिक्स्ड एम इन द प्लान। जो 5 ईयर प्लान में हमने एम फिक्स किया है उसको अचीव करने के लिए सजेशन देने का काम भी करती है। तो अब देखते हैं हम हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था जो 1951 से 1956, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, और प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं एग्रीकल्चर, इरिगेशन, और साथ में एक और ऑब्जेक्टिव रखा गया था डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और किस मॉडल पे बेस्ड था ये, हेरोड डोमर मॉडल। तो इससे फर्स्ट 5 ईयर प्लान से हमसे यही पूछा जाता है, एक तो ऑब्जेक्टिव क्या था और दूसरा इसका मॉडल किस पे बेस्ड था। अब आते हैं हम सेकंड 5 ईयर प्लान पे। सेकंड 5 ईयर प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, क्योंकि अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं थी, तो उस इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए हमें हैवी इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत थी। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने हमारा एम रखा डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, इसलिए इस 5 ईयर प्लान के तहत हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी लगाई जो कि मेनली आयरन, स्टील और सीमेंट पे बेस्ड थी। उनमें से फर्स्ट प्लांट लगाया हमने राउरकेला प्लांट, ये एक आयरन एंड स्टील प्लांट था, और ये किसकी मदद से हमने लगाया था, जर्मनी की मदद से। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं कि जो राउरकेला स्टील आयरन प्लांट है वो हमने कौन सी कंट्री की हेल्प से लगाया था, तो ये हमने जर्मनी की हेल्प से लगाया था। उसके बाद हमने लगाया भिलई प्लांट, और ये किसकी हेल्प से लगाया, रसिया की हेल्प से।
थर्ड हमने आयरन एंड स्टील प्लांट लगाया दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के अंदर, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, और इसमें हमारी हेल्प की थी यूके ने, यूनाइटेड किंगडम। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखने की है कि जो हमारा फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट था वो था टिस्को, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को की फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और इसके जो फाउंडर थे वो थे जमशेद जी टाटा। जमशेदपुर में इन्होंने ये प्लांट लगाया था 1907 में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 10 रुपीज़ का कॉइन अभी लॉन्च किया था पीछे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने ये कॉइन जमशेद जी टाटा की मेमोरी में लॉन्च किया था। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ से जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक है 1956 में हमने LIC का गठन किया, LIC है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और 2 अक्टूबर 1958 में हमने NAFED का गठन किया। NAFED की फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में रिपीट हुई है। NAFED की फुल फॉर्म होती है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और इसका जो मेन फंक्शन होता है टू प्रमोट ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। जो एग्रीकल्चर से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं और फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनका ट्रेड जो है उसको प्रमोट करना। तो NAFED 2 अक्टूबर 1958 और LIC 1956, जबकि NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 और प्लानिंग कमीशन 1950। और 1950 में हमने एक और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया था जिसको हम बोलते हैं CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का मेन फंक्शन होता है नेशनल इनकम का जो डाटा है उसको पब्लिश करना। और एक और ऑर्गेनाइजेशन था NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी 1950 में सेटअप किया गया था, और इसका मेन फंक्शन है सर्वे करवाना। जिससे कि जैसे कि CSO का फंक्शन होता है नेशनल इनकम डाटा पब्लिश करना, तो उसके लिए हमें एक डाटा की ज़रूरत होती है और उसके लिए हमें सर्वे कंडक्ट कराना पड़ेगा। तो जो सर्वे है वो NSSO के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड फाइव ईयर प्लान 1951 से 1966। 1960 में जब इंडियन इकोनॉमी टेक ऑफ स्टेज पे थी तो हम थर्ड फाइव ईयर प्लान लेकर आए, इसको हम गडगिल योजना भी बोलते हैं, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रिलायंट एंड डिफेंस, क्योंकि 1961 में इंडिया ने चाइना के साथ वॉर किया और उसमें इंडिया की पराजय हो गई। तो फिर इंडिया ने अपना जो गोल सेट किया कि हम अपनी डिफेंस इंडस्ट्री है उसको थोड़ा और मजबूत करेंगे, जिससे हमारे पास हथियार और आएंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव था इसका डिफेंस और सेल्फ रिलायंट, और मॉडल था सैंडी एंड सुब्रमण्यम मॉडल, सैंडी सुब्रमण्यम मॉडल। और जब थर्ड फाइव ईयर प्लान था तो 1965 में एक और वॉर हुआ इंडिया और पाक के बीच में, जिसमें इंडिया की जीत हुई थी वैसे तो, लेकिन इंडिया की जो इकनॉमी थी वो पूरी तरह से गड़बड़ा गई थी, और ये जो फाइव ईयर प्लान था वो भी फेल हो गया था। क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है जब कोई वॉर होगा तो उसमें पैसे की बर्बादी तो होती ही होती है, तो ये फाइव ईयर प्लान हमारा फेल हो गया। इसके बाद हम लेकर आए प्लान हॉलीडे या फिर एनुअल प्लान भी जिसको हम बोलते हैं। हमने तीन प्लान लॉन्च किए 1966 से 1969 तक, और इंडिया की इकनॉमी थी जो इतनी नीचे चली गई थी कि इंडिया को अपना जो मनी है उसको डीवैल्यूएशन भी करना पड़ा था। देखिए डीवैल्यूएशन हम क्यों करते हैं, कोई भी कंट्री अगर अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट करती है तो उसका मतलब होता है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, अब जो $1 है वो किसके बराबर है, मान लिया कि 60 रुपये के बराबर है, और हमने डीवैल्यूएट कर दिया तो अब हमारा रुपया हो गया $70 के बराबर मान लेते हैं। तो पहले था ₹60 $1 के बराबर, अब हो गया ₹70 के बराबर, तो डिवेल्युएट हो गया यानी कि रुपए की जो वैल्यू है वो कम हो गई। तो पहले कोई अगर इंपोर्ट कर रहा था, इंडिया से इंपोर्ट कर रहा था, यानी कि इंडिया अगर एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई हम वाटर बोतल का प्रोडक्शन कर रहे हैं मान लिया,
एक वाटर बोतल हमें मिल रही है 10 रुपए की, तो पहले उसको $1 में कितनी मिलती थी, 6 वाटर बोतल, और अब उसको $1 में मिल रही है 7 वाटर बोतल। तो इसलिए जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए हम डिवेल्युएट करते हैं। हाल ही में चाइना ने लास्ट ईयर शायद अपनी करेंसी को डिवेल्युएट किया था, इसका यही रीज़न था कि जब भी हम डिवेल्युएट करते हैं तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद 1969 से 1974 फोर्थ 5 ईयर प्लान हम लेके आए, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था इम्प्रूविंग कंडीशन ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड एंड वीकर सेक्शन, अंडर प्रिविलेज्ड एंड वीकर सेक्शन। और फिफ्थ 5 ईयर प्लान सबसे इम्पोर्टेंट, हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान था हमारा 1974 से 1979। इस दौरान 1975 में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी तो इंडिया में फर्स्ट टाइम नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, और फिफ्थ 5 ईयर प्लान में हमने एक स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड सेल्फ रिलायंस, और सेकेंड था इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिमम नीड प्रोग्राम, इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिमम नीड प्रोग्राम। और ये जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था किसने ड्राफ्ट किया था, डीपी धर। फिफ्थ 5 ईयर प्लान हमारा एक ऐसा प्लान था जो हमें टाइम से पहले टर्मिनेट करना पड़ा था, इसका जो टाइम था 1974 से 1979, लेकिन इसको उससे पहले ही टर्मिनेट कर दिया गया था पॉलिटिकल सरकमस्टेंसेस की वजह से। उसके बाद जो मुरारजी देसाई गवर्नमेंट थी, जनता पार्टी, तो उसने फिर से एक एनुअल प्लान लॉन्च किया 1979 से 1980, और मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया था रेज द इनकम ऑफ लोवेस्ट इनकम क्लास, यानी कि जो एग्रीकल्चर था हमारा उसमें एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है उसमें सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है एग्रीकल्चर, और उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी तो हम अपनी डेवलपमेंट की नहीं सोच सकते। तो इसलिए जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था रेज द इनकम ऑफ लोएस्ट इनकम क्लास जो कि एग्रीकल्चर में काम करती थी, और इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। मिक्स्ड इकोनॉमी मींस कोलेबोरेशन विद फॉरेन कंट्री गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, तो हमारा राइट आंसर है बी, गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया है, सिर्फ जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करता है, जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में सिर्फ पब्लिक सेक्टर होता है, गवर्नमेंट ही सब पॉलिसी बनाती है और गवर्नमेंट ही सब प्रोडक्शन करती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी जैसा कि इंडिया में है, यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि MTNL भी है, BSNL भी है और Airtel भी है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइड कंट्रीज अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम, तो जो वर्ल्ड बैंक है वो कंट्रीज को क्लासिफाइड करता है डेवलपिंग या फिर डेवलपमेंट में पर कैपिटा इनकम के बेस्ड पे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच प्लान पीरियड डिड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रजिस्टर ए नेगेटिव ग्रोथ, थर्ड 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर में नेगेटिव ग्रोथ हुई थी, क्योंकि 1965 में एक तो हमने पाकिस्तान के साथ वॉर किया, दूसरा उस टाइम इंडिया में ड्रोट भी आया था यानी कि सूखा पड़ा था, और 61 में एक वॉर किया था चाइना के साथ, इसलिए जो थर्ड 5 ईयर प्लान था ये हमारा बुरी तरह से फेल हो गया था। और उसके बाद प्लान हॉलीडे हम लेकर आए थे 66 to 69, तो यहाँ पे हमारा आंसर है थर्ड 5 ईयर प्लान, और किस पे बेस्ड था ये, गडगिल योजना। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, लेकिन अच्छा है इसमें आपकी रिवीजन हो जाएगी एक बार, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं से जनरली आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, SSC CGL में इकोनॉमिक्स ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एरिया वॉज गिवन द टॉप प्रायोरिटी इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान, इंडस्ट्री, और ये किस पे बेस्ड था, नेहरू महालनोबिस मॉडल, जिसमें हैवी स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री सेटअप की गई थी इंडिया में, फर्स्ट थी राउरकेला जो कि जर्मनी की हेल्प से सेटअप की थी, भिलई प्लांट लगाया था हमने,
रशिया की हेल्प से और दुर्गापुर प्लांट लगाया था यूके की हेल्प से। ये तीनों स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज थी। नेक्स्ट है, विच फाइव ईयर प्लान वॉज टर्मिनेटेड बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ इट्स पीरियड। फिफ्थ फाइव ईयर प्लान था जो उसके पीरियड से पहले ही टर्मिनेट कर दिया गया था, जो कि 74 से 79 तक था, लेकिन 78 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट अपना नया रोलिंग प्लान लेकर आई। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडम स्मिथ। और इन्होंने एक बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइव ईयर प्लान्स इन इंडिया? जवाहरलाल नेहरू। और फाइव ईयर प्लान्स को कौन बनाता है? प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग। और प्लानिंग कमीशन का कॉन्सेप्ट हमने किससे लिया था? रशिया से। नेक्स्ट है, द ऑथर ऑफ द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया इज एम विश्वेश्वरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, हु सेड दिस? जेबी से। हु सेड इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ? एडम स्मिथ। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन। अच्छा, कुछ रिवॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था? एग्रीकल्चर। और ग्रीन रिवॉल्यूशन ये टर्म सबसे पहले किसने कॉइन की थी? विलियम गोडे। और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। जबकि फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन। तो यहाँ पे याद रखना है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग, जबकि फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन एम एस स्वामीनाथन। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, जनरली व्हीट एंड राइस। इसमें क्या हुआ था कि हाई यील्डिंग वैरायटीज का हमने उपयोग किया था, जिससे कि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो एकदम से बढ़ गया था, या फिर मिरेकल सीड्स इनको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क से रिलेटेड थी, और फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन बोला जाता है वर्गीज क्यूरियन, वर्गीज क्यूरियन। ऑपरेशन फ्लड जो कि वाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड था। एक चीज़ और, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का पूरे वर्ल्ड में। कुछ और रिवॉल्यूशन है जो इम्पोर्टेंट है, येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड्स, पिंक रिवॉल्यूशन है ऑनियन एंड प्राउन्स, प्राउन्स बोलते हैं हम झींगा, रेड रिवॉल्यूशन टोमेटो एंड मीट, ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जबकि ब्लू रिवॉल्यूशन फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइज फार्मिंग, राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो, गोल्डन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर। गोल्डन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर से, जबकि गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन है जूट से रिलेटेड, सिल्वर रिवॉल्यूशन एग से रिलेटेड, सिल्वर फाइबर कॉटन, ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर्स, अमृत रिवॉल्यूशन रिवर लिंक प्रोग्राम, जबकि रेनबो या फिर ग्योर रिवॉल्यूशन इसको हम बोलते हैं, क्योंकि रेनबो में 7 कलर होते हैं, वीप ग्योर, वहाँ से ये वर्ड लिया गया ग्योर रिवॉल्यूशन। अवेलेबिलिटी ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। लास्ट है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, रिलेटेड विद न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसीज जो 2000 में हम लेकर आए थे। तो इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये 7-8 जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मिल्क एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। और उनसे पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर किसको माना जाता है? ओवरऑल वर्ल्ड नॉर्मन बोरलॉग, जबकि इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक माना जाता है एम एस स्वामीनाथन, और वाइट रिवॉल्यूशन वर्गीज क्यूरियन। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, अगर प्राइस घटेंगे तो डिमांड हमारी घटेगी। यानी कि जब अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, डिमांड ऑफ गुड्स फॉल्स विद राइज ऑफ प्राइस एंड वाइस वर्सा। लेकिन जो अदर थिंग्स हैं वो कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, जैसे कि इनकम है या फिर मार्केट ट्रेंड है, वो हमारा कॉन्स्टेंट होगा
तो प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेगी, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। यानी कि इफ अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट डिमांड ऑफ गुड्स फॉल्स विद राइज ऑफ प्राइस एंड वाइस वर्सा। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या है वो डिक्रीज होगी, अगर प्राइस डिक्रीज होंगे तो डिमांड क्या करेगी वो इंक्रीज होगी। तो कौन सी रिलेशन हुई यहाँ पे, हम प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप। अगर इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे अगर मैं प्राइस को ले लेता हूँ और एक्स एक्सिस में मैं क्वांटिटी को लेता हूँ, क्वांटिटी क्या है हमारी डिमांड, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे बनेगा। मान लिया कि इसका मिड पॉइंट है और प्राइस है हमारा यहाँ पे, इसको हमने कनेक्ट किया देखिए ये कितना है 4 यूनिट। तो जब प्राइस 4 यूनिट है तो क्वांटिटी यानी कि जो डिमांड है हमारी कितनी है 4। तो अगर प्राइस 4 है तो क्वांटिटी भी 4 है, लेकिन अगर प्राइस 4 से 5 हो गया तो डिमांड कितनी हो जाएगी 1, 2। अगर प्राइस 5 हो गया तो डिमांड होगी 2। तो प्राइस जैसे जैसे बढ़ेंगे डिमांड कम हो जाएगी। अब देखिए अगर प्राइस डिक्रीज होते हैं, अगर प्राइस 4 से 3 हो गया तो कर्व कैसा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि प्राइस अगर 3 हो जाते हैं तो डिमांड हमारी होगी 5। तो ये होता है डिमांड और क्वांटिटी कर्व, डिमांड और प्राइस कर्व। अब देखते हैं जो हमारा डिमांड कर्व है वो चेंज कैसे होता है। एक तो जब प्राइस चेंज होते हैं, जब अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट प्राइस चेंज, तो डिमांड कर्व चेंज होगा हमारा अलोंग द कर्व, तो मूवमेंट होगा अलोंग द कर्व। और दूसरा है शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, और ये कब होता है जब प्राइस हमारा कॉन्स्टेंट होता है लेकिन जो अदर थिंग्स हैं वो चेंज होती हैं, तो चेंज इन डिमांड फर्स्ट है हमारा व्हेन प्राइस चेंज, और सेकंड जब प्राइस कॉन्स्टेंट हो। तो फर्स्ट केस में अगर कर्व को देखते हैं हम पी और क्यू कर्व, कर्व होता है हमारा ऐसे। तो प्राइस पहले थे 4 यूनिट, तो डिमांड क्या थी हमारी Q1, इसको P1 मान लेते हैं, इसको Q1। और अगर प्राइस इंक्रीज हो गई, ये P2 प्राइस है, तो डिमांड क्या होगी Q1। तो शिफ्ट हुआ हमारा, डिमांड शिफ्ट हुई अलोंग द कर्व। और प्राइस अगर डिक्रीज होते हैं तो डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। तो ये क्या हुआ, इसको Q1 Q3 मान लेते हैं। तो Q1 से Q3 क्या हुआ, डिमांड एक्सपेंड हुई यानी कि डिमांड बढ़ गई। लेकिन Q1 Q2 क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो अगर प्राइस चेंज होते हैं तो कर्व में क्या होगा, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन कब होगा, जब प्राइस डिक्रीज होते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब प्राइस इंक्रीज होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, जब हमारा प्राइस कॉन्स्टेंट हो, तो अगर प्राइस कॉन्स्टेंट है तो ये हमारा कर्व था। तो प्राइस कॉन्स्टेंट है और
क्वांटिटी क्या है क्यू। लेकिन अगर प्राइस कांस्टेंट है और अदर थिंग्स चेंज हो जाती है, मान लिया कि किसी की सैलरी चेंज हो गई, इनकम इंक्रीज होगी, तो किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी, या फिर उसका मार्केट ट्रेंड बदल गया, पहले वो ट्रेंड में नहीं थी, अब वो ट्रेंड में आ गई और उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई, तो हमारा कर्व कैसा हो जाएगा, वो शिफ्ट कर जाएगा राइट साइड में। ये ऐसा ही S1 है। तो अब प्राइस हमारे इतने ही है, लेकिन जो डिमांड है वो Q2 होगी। तो ये तो था हमारा शिफ्टिंग ऑफ कर्व। एक और टॉपिक है टाइप्स ऑफ गुड्स। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो टाइप्स ऑफ गुड्स में कितने प्रकार के गुड्स होते हैं? फर्स्ट है हमारा नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं? जो कि इनकम इंक्रीज होगी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी वो डिमांड बढ़ेगी। सेकंड होता है हमारा कॉम्पिटिटिव गुड्स या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स भी इनको हम बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये वो गुड्स होते हैं विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जैसे कि टी एंड कॉफी, बॉल पेन एंड जेल पेन। तो जैसे जैसे टी के प्राइस हमने बढ़ा दिए तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि टी इसका सब्स्टिट्यूट है। टी की डिमांड बढ़ रही है, पहले इसको लिख लेते हैं, दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जैसे टी एंड कॉफी। तो अगर टी के प्राइसेस हमने बढ़ा दिए तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग जो है चाय पीना बंद कर देंगे, अब कॉफी की तरफ आ जाएंगे। और बॉल पेन है और जेल पेन है, अगर बॉल पेन के प्राइस ज़्यादा हैं तो लोग जेल पेन को यूज़ करने लग जाएंगे, तो इससे जेल पेन के डिमांड क्या करेगी बढ़ जाएगी। अगर हम जेल पेन के प्राइसेस को बढ़ा देते हैं, इसके अपोजिट बॉल पेन की डिमांड बढ़ जाएगी, तो इनको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव गुड्स या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? दोज गुड्स इन विच वन कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट अदर, जैसे कि कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक। अगर पेट्रोल के प्राइस हम बढ़ाएंगे तो कार की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, अगर हम इंक के प्राइस बढ़ाते हैं तो पेन की डिमांड कम हो जाएगी, जैसे कार एंड पेट्रोल। पेन एंड इंक, अगर आपने पेट्रोल के प्राइसेस को बढ़ा दिया तो लोग क्या करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करेंगे और कार की डिमांड है कम हो जाएगी। अगर हमने इंक जो है उसकी प्राइसेस को बढ़ा दिया तो पेन की डिमांड कम हो जाएगी, अब लोग पार्कर पेन को यूज़ करने लग जाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? दोज गुड्स इन विच विदाउट वन अनादर कैन नॉट बी यूज्ड, विदाउट वन अनादर कैन नॉट बी यूज्ड। और एक होता है हमारा इन्फीरियर गुड्स। वो गुड्स होते हैं दोज गुड्स विच हैव नेगेटिव रिलेशन विद द इनकम, जैसे अगर इनकम इंक्रीज करेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन नॉर्मल गुड्स में क्या था, अगर इनकम इंक्रीज होती है तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, जैसे कि मारुति स्विफ्ट है, लोगों की इनकम है अभी 10 लाख से 12 लाख रुपए, तो लोग क्या करेंगे, मारुति स्विफ्ट को खरीदेंगे। लेकिन अगर उनकी इनकम 1 करोड़ हो गई तो अब क्या वो मारुति स्विफ्ट को खरीदेंगे,
अब वो ओडी की तरफ जाएंगे या फिर बीएमडब्ल्यू को वो परचेज करेंगे, तो उनको हम इन्फीरियर गुड्स बोलते हैं. दोज गुड्स विच हैव नेगेटिव रिलेशन विद इनकम, नेगेटिव रिलेशन विद इनकम. और लास्ट है हमारा गिफन गुड्स. गिफन गुड्स, गिफन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, करो को लॉ ऑफ डिमांड को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं. लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या था, अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड डिक्रीज होगी, लेकिन गिफन गुड्स वो होते हैं जिसमें अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड इंक्रीज होती है. जैसे कि आईफोन है, आईफोन क्या एक स्टेटस सिंबल है, अगर इसका आप प्राइस बढ़ा दोगे तो इसकी डिमांड उतनी ही बढ़ती है. अगर आपका प्राइस आज जैसे एप्पल 7 प्लस है, अगर इसका प्राइस आप 3000 रुपये कर दोगे तो लोग इसको लेना बंद कर देंगे. और दूसरा फैशन है या फिर कोई नेसेसरी गुड्स हैं जैसे कि वाटर बॉटल है, अगर आप उसका प्राइस बढ़ा दोगे तब भी उसकी डिमांड उतनी ही रहेगी. और तीसरा प्रीसियस पेंटिंग्स या फिर स्टोन्स हैं, जो प्रीसियस पेंटिंग होती हैं उनका प्राइस जितना ज़्यादा होता है उतनी ही डिमांड उनकी ज़्यादा होती है. तो गिफन गुड्स कौन से हुए, दोज गुड्स विच कॉन्ट्राडिक्ट लॉ ऑफ डिमांड. तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ गुड्स. हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, रॉबिन्स, जे एस मिल्स, एडम स्मिथ या फिर काइन्स? हमारा आंसर है एडम स्मिथ. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को. और इनके द्वारा एक बहुत फेमस बुक लिखी गई थी और बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन. ये बुक भी बहुत बार पूछ ली जाती है एग्जाम्स में और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, द वेल्थ ऑफ नेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच फाइव ईयर प्लान प्राइसेज सॉ ए डिक्लाइन, कौन से फाइव ईयर प्लान में प्राइसेज डिक्लाइन हो रहे थे? तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के दौरान प्राइसेस जो है डिक्लाइन हुए थे. तो प्राइसेस डिक्लाइन का मतलब क्या है, यानी कि मंदी आना, चीज़ों की कीमत में गिरावट आ जाना. देखिए किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक्स के लिए हद से ज़्यादा प्राइस भी अच्छे नहीं होते और प्राइस का कम होना भी सही नहीं रहता है. जब चीज़ों के प्राइस बढ़ने लगते हैं तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, और जब प्राइस कम होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन. तो इसका आंसर है फर्स्ट फाइव ईयर प्लान. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान वाज डिजाइन्ड फॉर द पीरियड. तो सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान को हम बोलते हैं रोलिंग प्लान, और इसकी ड्यूरेशन थी 1978 से 1983. इससे पहले जो फिफ्थ फाइव ईयर प्लान था 1974 से 1979, लेकिन इसका टाइम पूरा होने से पहले ही 1978 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई और उसने इसको रिजेक्ट करके नया सिक्स ईयर प्लान लॉन्च किया. और उसके बाद 1980 में वापस से कांग्रेस आ गई, कांग्रेस ने क्या किया, नया सिक्स ईयर प्लान रिवाइज किया 1980 से 1983. लेकिन जनरली जो जनता पार्टी का जो प्लान है 1978 से 1980 तक, उसको हम रोलिंग प्लान बोलते हैं. लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे 1978 से 83 दिया गया है तो हम इसी को टिक करेंगे. लेकिन अगर 1978 से 1980 दिया होता तो ये हमारा राइट आंसर होता. तो सिक्स फाइव ईयर प्लान को हम रोलिंग प्लान बोलते हैं जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट लेके आई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैंकर्स ऑफ बैंक, बैंकों का बैंक किसको बोलते हैं? बैंकों का बैंक होता है आरबीआई, क्योंकि जितने भी बैंक हैं अगर उनको लोन लेने की जरूरत पड़ती है तो वो कहाँ जाएंगे, वो आरबीआई के पास जाते हैं, आरबीआई उनको लोन देता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बैंकर्स ऑफ बैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1921 द प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे वर नेशनलाइज्ड टू गिव बर्थ टू. 1921 से पहले जो प्रेसिडेंसी बैंक थे बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के, इनको मिलाकर एक बैंक बना दिया गया और उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. लेकिन 1955 में इसका नाम चेंज कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो हमारा आंसर है यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम हमसे पूछ लिया जाता है,
तो ये हमें याद रखना है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और 1955 में इसको चेंज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम कैलोरी इनटेक डिसाइडेड बाय द प्लानिंग कमीशन फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज रिस्पेक्टिवली। तो रूरल एरिया के लिए मिनिमम कैलोरी अपटेक है 2400 और अर्बन के लिए 2100। अगर किसी को 2400 से कम कैलोरी मिलती है तो उसको सरकार गरीब समझती है, और अर्बन एरिया में जिसको 2100 कैलोरी मिलती है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। नेक्स्ट है, विच बैंक गिव्स लॉन्ग टर्म लोन टू फार्मर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार मार्क करें, क्योंकि इसमें ऑप्शन में नाबार्ड भी दिया गया है और इसका आंसर, लेकिन इसका आंसर है लैंड डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन दिया गया है और शॉर्ट टर्म लोन कौन प्रोवाइड कराता है? नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म भी हमें याद रखनी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। तो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराता है नाबार्ड, और लॉन्ग टर्म लोन कौन प्रोवाइड कराता है? लैंड डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक। तो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर हमसे पूछा जाता है कि लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा है, तो ICICI है लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, और लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडिया द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी मैनेज्ड बाय इंडियन। सबसे पहले कौन सा बैंक था जो इंडियंस के द्वारा मैनेज किया गया? तो इसका आंसर है अवध कॉमर्शियल बैंक। ये एस्टेब्लिश किया गया था 1881 में, और इसका हेडक्वार्टर था फैजाबाद के अंदर। लेकिन जो प्योरली इंडियन के द्वारा मैनेज किया गया, ये जो अवध कॉमर्शियल बैंक था इसमें तो लिमिटेड लायबिलिटी थी इंडियन की, लेकिन जो प्योरली मैनेज किया गया इंडियन के द्वारा वो था पंजाब नेशनल बैंक, और ये कब बना था? 1895 में। इसका हेडक्वार्टर था लाहौर के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर है अवध कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड करेंसी क्या होती है? हार्ड करेंसी हम बोलते हैं जिसकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ज्यादा डिमांड होती है और जिसके प्राइसेस ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते, जनरली कांस्टेंट रहते हैं, या फिर कन्वर्टेबल करेंसी भी इसको हम बोलते हैं, जैसे कि यूरो है, यूएस डॉलर है, और येन है, येन जापान की करेंसी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी बाहर वाली कंट्री से कोई सामान इम्पोर्ट करते हैं तो उनको हम रुपए में पे नहीं करेंगे, हम या तो उनको डॉलर में पे करते हैं या फिर यूरो में। जनरली सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है डॉलर, तो डॉलर एक हार्ड करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेसिमल सिस्टम ऑफ इंडियन करेंसी वाज स्टार्टेड इन 1957 में। इंडियन करेंसी का डेसिमल सिस्टम स्टार्ट किया गया 1957 से। पहले क्या था कि पहले पैसे नहीं थे, रुपया नहीं था, उससे पहले क्या होता था, आने होते थे, एक रुपए के अंदर होते थे 16 आने, और 16 आने भी फर्दर डिवाइड किया गया था 64 पाइस में, यानी कि एक आना बराबर था 4 पाइस। लेकिन 1957 में इनको बंद करके एक रुपए दो रुपए के कॉइन चलाए गए, और एक रुपया बराबर था 100 पैसे के, और इसको हम बोलते थे नया पैसा। एक नई टर्म लॉन्च की गई आना को बंद करके, नया पैसा। नेक्स्ट है, इंडियन इकोनॉमी कैन बी मोस्ट एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्ड एज द। इंडियन इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। और इंडिया में भी यही है, पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, तो हमारा आंसर है मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हुम वाज द फर्स्ट डिपार्टमेंटल लाइफ इंश्योरेंस स्टार्टेड। लाइफ इंश्योरेंस सबसे पहले किसके लिए स्टार्ट किया गया? ये स्टार्ट किया गया था पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए, और इसका नाम था पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। 1884 में इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनिमल ऑन द इनसिग्निया ऑफ आरबीआई। इनसिग्निया होता है राज चिन्ह, इसको रिगेलिया भी हम बोल सकते हैं। तो जो आरबीआई का राज चिन्ह है उसमें कौन सा एनिमल है? तो उसके अंदर है टाइगर, जो कि एक पाम ट्री के नीचे
चलता हुआ दिखाया गया है, लेकिन स्टार्टिंग में जब ये इनसिग्निया हमने लिया था तो इसमें लाइन था, लेकिन बाद में इसको रिप्लेस करके टाइगर कर दिया गया। नेक्स्ट है, मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया इज सेल टैक्स। बाकी सब एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और जबकि सेल्स टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में आता है। नेक्स्ट है, नेशनल इनकम रेफर्स टू, नेशनल इनकम क्या होती है? मनी वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। इसको हम लिख सकते हैं मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स प्लस सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिस्टेंट ऑफ इंडिया इन ए गिवन ईयर। तो वाई यहाँ पे डिनोट करता है नेशनल इनकम, पी फॉर प्राइस, प्राइस ऑफ गुड्स और प्राइस ऑफ सर्विस। नेक्स्ट है, शेड्यूल बैंक इज वन विच इज इंक्लूडेड इन द, जो आरबीआई की सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड हैं उनको हम बोलते हैं शेड्यूल बैंक। एक होते हैं अदर बैंक और एक है शेड्यूल बैंक, जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ओपन मार्केट ऑपरेशन? बॉन्ड इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको सेल करना, उसको बोलते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटीज। तो सेलिंग ऑफ गिल्ट एज सिक्योरिटी बाय द गवर्नमेंट ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। और ये क्यों करते हैं ऐसा? टू रेगुलेट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट या फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड इश्यू करती है, और इसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच 5-year प्लान डिड इंडिया ले डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीड टू एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। कौन से 5-year प्लान में जो ऑब्जेक्टिव था वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी रखा था? तो 9th year प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारा आंसर है 9th 5-year प्लान। नेक्स्ट है, इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय। इन्फ्लेशन क्या होता है? जब प्राइसेस बढ़ने लगते हैं और मनी वैल्यू कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो हमारा आंसर क्या होगा? इंक्रीज इन मनी सप्लाई। जब मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, प्राइस कम होंगे, हमें किसी भी चीज को खरीदने के लिए ज्यादा पैसा आप देना पड़ेगा, और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो मार्केट में जो मनी फ्लो है वो ज्यादा हो जाएगा। और इसके अपोजिट क्या होता है? डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में मनी फ्लो कम हो जाता है और मनी वैल्यू बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन था, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, और ये एक थर्मल एंड हाइड्रो पावर जनरेटिंग पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि 1948 में एस्टेब्लिश किया गया, और ये इंडिया का फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट भी था। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सबसे पहला रिवर वैली प्रोजेक्ट था दामोदर वैली कॉरपोरेशन, और पहला पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन भी इंडिपेंडेंट इंडिया का यही था। नेक्स्ट है, अंत्योदया प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद। ये प्रोग्राम चलाया गया था 2000 में, और इसका जो मेन उद्देश्य था, जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है, हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल कम रेट पे इन फैमिलीज को राइस और वीट प्रोवाइड कराने की एक योजना बनाई, जिसमें वीट था 2 रुपये पर किलोग्राम और राइस का जो प्राइस रखा गया था 3 रुपीज पर केजी। तो हमारा आंसर है अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, और साथ में ये याद रखना हमें कि ये योजना कब स्टार्ट की गई थी, 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट लाइज विद द, ये है सेबी, और सेबी की जो फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है सिक्योरिटी एक्सचेंज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट। सबसे पहले महाराष्ट्र में इंट्रोड्यूस की गई 1979 के अंदर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपेक्स बैंक फॉर इंडस्ट्रियल लोन।
इंडस्ट्रियल लोन के लिए सबसे अपेक्स बैंक कौन सा है? आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1964 में इसको बनाया गया था और ये आरबीआई की अदर पब्लिक सेक्टर बैंक वाली लिस्ट में आता है। देखिए, एक तो जो आरबीआई एक्ट की सेकंड शेड्यूल लिस्ट में जो इंक्लूड है उनको बोलते हैं शेड्यूल बैंक, और एक होते हैं अदर पब्लिक सेक्टर बैंक। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ इसको हम बोलते हैं, और इसका मेन फंक्शन होता है कलेक्शन ऑफ एस्टीमेट ऑफ नेशनल इनकम। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1951 के अंदर, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सीएसओ का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द टैक्स इज लेविड बाय द यूनियन एंड अप्रोप्रिएटेड एंड प्लान्ड बाय द स्टेट। तो जो स्टैम्प ड्यूटी है उसका जो कलेक्शन होता है वो स्टेट करता है, लेकिन ये सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है स्टैम्प ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट शेयर्ड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स का जितना भी कलेक्शन होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, बाकी सब जो टैक्स हैं वो यूनियन लिस्ट में है और इनका जो कुछ हिस्सा है वो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में शेयर किया जाता है, लेकिन जो सेल्स टैक्स है वो सारा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। पर कैपिटा इनकम इज हाईएस्ट इन विच स्टेट, हाईएस्ट प्रति व्यक्ति आय कौन से स्टेट में है? तो सबसे ऊपर है इसमें गोवा, और उसके बाद दिल्ली, देन चंडीगढ़, और फिर पुदुचेरी। गोवा की जो प्रति व्यक्ति आय है लगभग 2,24,000 के आसपास है और ये अभी सबसे टॉप में चल रहा है, और लोएस्ट पर कैपिटा इनकम बिहार में सिर्फ 24,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया, टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक है इंडिया में 27, और फर्स्ट टाइम जब नेशनलाइजेशन हुआ 1969 के अंदर तब सिर्फ 14 बैंक थे, लेकिन उसके बाद 1980 में 6 और बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, तो टोटल कितने हो गए 20। इसमें जो स्टेट बैंक है और उसकी जो 6 अलाइड ब्रांच है वो भी इंक्लूड है, और 2 और बैंक हैं आईडीबीआई और भारतीय महिला बैंक, तो टोटल मिलाकर हो गई 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच 5-year प्लान सेल्फ रिलायंस फर्स्ट एम्फेसाइज्ड। तो 5th 5-year प्लान जो था 74 से 79 के अंदर, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रिलायंस एंड गरीबी हटाओ, क्योंकि इससे पहले इंडिया को बहुत सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती थी, और सेल्फ रिलायंस का मतलब है आत्मनिर्भरता। तो इसका मेन उद्देश्य था कि इंडिया में ही एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, और जो डिफेंस के लिए हमें सामान इंपोर्ट करना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में ही उसका मैन्युफैक्चर स्टार्ट किया जाए। लेकिन 78 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने इसको ख़त्म होने से पहले ही टर्मिनेट कर दिया था, और उसके बाद जो नया 5-year प्लान आया था उसको हम बोलते हैं रोलिंग प्लान, 1978 से 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस स्लोगन गरीबी हटाओ वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द, ये भी 5th 5-year प्लान के दौरान ही ये जो थीम एंड स्लोगन था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट का 1971 के इलेक्शन में, और इसके बाद इसको ही हमारे जो 5th 5-year प्लान है उसका मेन ऑब्जेक्टिव बनाया गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सोल राइट ऑफ इश्यूइंग करेंसी इन इंडिया। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ऑप्शन में है और आरबीआई भी। देखिए, जो 1 रुपए का नोट होता है और जितने भी सिक्के होते हैं उनको छोड़कर सारी करेंसी आरबीआई इशू करता है, जबकि 1 रुपए का नोट्स और जितने भी कॉइन्स हैं उन सबको इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 1 रुपए का नोट और कॉइन्स को छोड़कर बाकी सब करेंसी को इश्यू करने का अधिकार सिर्फ आरबीआई के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बजट फिगर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट इज कॉल्ड। तो एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जब उसका खर्च जो है इनकम से ज्यादा हो जाता है
तो फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकीय घाटा, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रुपए कहां से आते हैं, टैक्स के माध्यम से। नेक्स्ट है इंडियाज बिगेस्ट नेशनलाइज्ड एंटरप्राइज टुडे, वो है द इंडियन रेलवे। और सबसे पहले रेलवे कब इंट्रोड्यूस की गई थी, 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच में, लेकिन 1951 में इसको नेशनलाइज किया गया और इसको एक यूनिट बना दिया गया, इंडियन रेलवे। नेक्स्ट है द हाईएस्ट बॉडी विच अप्रूव्स फाइव ईयर प्लान इज, फाइव ईयर प्लान को कौन अप्रूव करता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या फिर इसको बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, और इसका अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर। और इसको कब सेटअप किया गया था, 1952 के अंदर, और काउंसिल के मेंबर होते हैं प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, सीएम ऑफ ऑल स्टेट या फिर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, मेंबर ऑफ अदर कमीशंस। नेक्स्ट है आरबीआई डज नॉट ट्रांजैक्ट बिजनेस ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर बाकी सारे स्टेट आरबीआई के अंडर में आते हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का अपना अलग से है। नेक्स्ट है द रिपोर्ट ऑफ विजय केलकर कमेटी रिलेट्स टू टैक्स रिफॉर्म, विजय केलकर कौन थे, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी एंड एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्टर, जो 13th फाइनेंस कमीशन था ये उसके हेड रहे हैं, और इन्होंने एक रोड मैप तैयार किया फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए, यानी कि जो फिस्कल डेफिसिट था उससे निकलने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, विजय केलकर कमेटी, क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था वो इनकमिंग मनी से ज़्यादा था, इसलिए टैक्स में कुछ रिफॉर्म्स करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, तो हमारा आंसर है टैक्स रिफॉर्म्स। नेक्स्ट है व्हेन वाज द जवाहर रोजगार योजना लॉन्च्ड, जवाहर रोजगार योजना कब लॉन्च की गई, ये लॉन्च की थी 1969 में बेरोजगारी दूर करने के लिए और रूरल इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए। इससे पहले दो वेजेस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम थे उनको मर्ज करके जवाहर रोजगार योजना बनाई गई थी, वो थे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, इन दोनों को मर्ज किया गया तब जाके जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट की गई थी 1989 में। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड इन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन कब हुआ, 1949 के अंदर, और रिजर्व बैंक को कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1935 में। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लेते हैं कि कौन से एक्ट के तहत आरबीआई का गठन हुआ, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। और आरबीआई का जो मेन प्रमुख कार्य है वो है मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करना। नेक्स्ट है वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड लोकेटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ये एक ऑटोनोमस पब्लिक बिजनेस स्कूल है और ये बनाया गया था एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, और ये कहाँ है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग लोकेटेड एट जयपुर, और इसका गठन हुआ 1988 में, चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है और एक ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर ही आती है। नेक्स्ट है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर, प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ, हमारा आंसर है 1950, और इसका जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर, और उस टाइम जो इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, एक नॉन स्टेटूटरी बॉडी है और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। स्टेटूटरी का मतलब होता है बेस्ड ऑन लॉ, जबकि नॉन स्टेटूटरी बॉडी होती है जो सिर्फ कस्टम से रिलेटेड होती है, उसका लॉ से कोई लेना देना नहीं होता, कानूनी तौर पर उसका कोई वजूद नहीं होता है, सिर्फ जो हमारी कस्टम है उसको फॉलो करके उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लान गेव एम्फेसिस ऑन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम, शायद ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, 5th प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था गरीबी हटाओ एंड सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस का मतलब आत्मनिर्भरता,
कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया और साथ में गरीबी हटाने पर भी ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज, जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर उसमें से हम सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं और सब्सिडी को ऐड कर देते हैं तो वो होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट है, फेरा इन इंडिया हैज बीन रिप्लेस्ड बाय, फेरा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और ये पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया 1973 में, जो कि बाहर से आने वाली जितनी भी पेमेंट है और एक्सचेंज है उसको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन 1999 में इसको फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट फेमा में बदल दिया गया, और इसको चेंज इसलिए किया गया ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो सके और फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल को लिबरलाइज किया जा सके ताकि बाहर से आने वाला इस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो इंडिया में। नेक्स्ट है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है जो जिसको इलेक्ट नहीं करना पड़ता, और इसका जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो ऑटोमेटिकली प्लानिंग कमीशन का हेड होगा, और एक होता है डेप्यूटी चेयरमैन, और आजकल जो डेप्यूटी चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन का अरविंद पागरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज बिगेस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर इन इंडिया, बिगेस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर, जबकि हमारी जीडीपी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है सर्विस सेक्टर की 57%, और उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर 28%, और सबसे कम है एग्रीकल्चर सेक्टर 14% ओनली, जबकि एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है एग्रीकल्चर में 52% और सर्विस में 34%, इंडस्ट्रीज में 14% एम्प्लॉयमेंट है। तो हम देख सकते हैं कि जिस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की भागीदारी सबसे ज्यादा है 52% एग्रीकल्चर में, उसका जीडीपी में सिर्फ 40% हिस्सा है। नेक्स्ट है, सेबी स्टैंड फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका गठन किया गया था 1992 में, सेबी एक्ट के तहत इसको बनाया गया, ये एक नॉन स्टेटूटरी बॉडी है, एडिशनल स्टेटूटरी पावर इसको बाद में अमेंडमेंट के अंतर्गत दी गई थी, और एक रेगुलेटरी बॉडी है सिक्योरिटी मार्केट के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया रेगुलेटेड बाई IRDA, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। IRDA क्या कार्य करती है, इट रेगुलेट एंड डेवलप द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया, और इसको IRDA एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था, और जो कमेटी बनाई गई थी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एक्ट से पहले वो थी मल्होत्रा कमेटी 1994 में, लेकिन इसका गठन किया गया 1999 में। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इकोनॉमिक्स, इसके बाद 3 और वीडियो में अपलोड करूँगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरीज है, आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझे वहाँ पे मैसेज करोगे तो मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी ऐड कर लूँगा, जिससे कि नया वीडियो जैसे ही रिलीज होगा उसके अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।